Hello and welcome back to this channel. So today in this video I'll be sharing another look with you all, which you get to see in the last. If you like this video, don't forget to like and share. अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू ओके देन लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी एंड देन आई टेक दिस रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर. उसको मैं फिर अच्छे से टी जोन एरिया में लगा लूँगी एंड देन उसको थोड़ा सा अच्छे से उसको मसाज एंड देन लेट इट अब्सॉर्ब ताकि मेरा जो मेकअप है वो लास्टिंग हो. उसके बाद फिर मैं ये इलाना का कंसीलर प्लस फाउंडेशन लेके उसको अच्छे से चेहरे पे लगा लूँगी द होल फेस एंड नेक एरिया नॉट टू फॉरगेट. उसके बाद फिर उसको अच्छे से मैं डैब 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 करके पूरा ब्लेंड कर लूँगी. एंड आई मस्ट टेल यू गाइस, ये मेरा ना गो टू प्रोडक्ट है बिकॉज इसके साथ एक्चुअली में मुझे दो प्रोडक्ट होल्ड करने का ज़रूरत नहीं होता कि फाउंडेशन एंड कंसीलर अलग से, यू नो, ये एक ही में दोनों काम हो जाता है एंड आई कैन ऑल्सो बिल्ड अप इफ़ आई वॉन्ट. ऑल्सो इसको मैंने सेल में दिया था जब ये बाई टू गेट वन फ्री था. सो आई गॉट वन फॉर माई सेल्फ एंड टू फॉर माई सिस्टर इन लॉज. ओके, तो इसको मैं नेक एरिया में भी ब्लेंड कर दूंगी और मैं दोबारा से मैं वापस लगाऊंगी जहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़रूरी है, यू नो, नेक. मुझे आँखों के नीचे मेरा थोड़ा सा रेडनेस मुझे दिखता है, आई डोंट नो, दिस वाटर लाइन के एरिया में. तो उसको मैं लगा के फिर अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी. डार्क सर्कल सा प्रॉब्लम तो मुझे है नहीं है बट स्टिल दिस कभी कभी रेड हो जाता है. फाउंडेशन के बाद मैं ये मेबेलिन का फिट मी लूज पाउडर लगा रही हूँ तो उसको मैं अंडर आईज में लगा लूँगी ताकि ये थोड़ा सा मैट लुक दे दे एंड ऑल्सो जो भी आई शेडो लगाऊंगी इसका फॉल आउट मैं बाद में हटा सकूँ ईजिली. ओके, उसके बाद मैं लूँगी ये वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल और अच्छे से दोनों ब्राउज को मैं फिल करूँगी. मेरे तो सबसे ज़्यादा टाइम पूरे चेहरे से ज़्यादा मुझे आईब्रोज में थोड़ा सा लगते हैं. आई एम वेरी कंसर्न अबाउट माई आईब्रोज क्योंकि तो एक छोटा बड़ा हो जाए ना इट लुक्स वेरी ऑड. तो फिर भी कोशिश करते हैं कि दोनों इक्वल हो. उसके बाद मैं ये स्मॉल ब्रश और इलाना का फिर कंसीलर प्लस फाउंडेशन लेके अच्छे से मैं यू नो जहाँ जहाँ पे मुझे फॉल्ट दिखाई दे रहा है मैं वो उसको इरेज करने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट इट गिव्स मी दैट थोड़ा सा डिफाइन लगे आईब्रोज. ओके, आईब्रोज डन गाइस. और उसके बाद मैंने आईज को भी फिल कर लिया है. उसके बाद मैं ये ले रही हूँ मैक का मेहर शेड और उसको मैं अच्छे से लिप्स में अप्लाई कर दूँगी और ये मिनी साइज़ में है. इसका फुलर साइज़ भी अवेलेबल है बट आई प्रेफर मिनी साइज़ बिकॉज ऑब्वियसली उतना सारा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं हो पाता. आई ट्राई टू शेयर माई लिपस्टिक कलेक्शन विद यू गाइस आल्सो विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. सो ओके, आई टेक दिस आई शैडो पैलेट वहाँ से जो शिमर शेड है तो उसको दोनों साइड के चिक बोन में लगाऊंगी. उसके बाद बीच ऑफ द नोज क्यूपिड बो और हमारे फेस पे जहाँ जहाँ हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ सब में लगाऊंगी फॉर दैट एक्स्ट्रा ग्लो, यू नो. और ग्लो करना किसको पसंद नहीं है. उसके बाद टेकिंग दिस फेसेस कनाडा का सेटिंग स्प्रे उसको मैं अच्छे से चेहरे पे स्प्रे कर लूँगी एंड लेट इट सेट ताकि मेरा मेकअप जो लास्ट करे. उसके बाद ब्लेंडर के हेल्प से मैं जहाँ जहाँ पे एक्सेस प्रोडक्ट है, यू नो, शिमर मैंने जहाँ जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस लगा लिया उसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी. ओके गाइस, सो दिस इज़ माई फाइनल मेकअप लुक और ये है ड्रेस के साथ. और एक चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, मैंने बहुत रिट्रीव करने की कोशिश की जो नहीं हुआ. एक्चुअली जो आई शेडो पार्ट है, ब्लश एंड कंटूर पार्ट, वो वाला वीडियो डिलीट हो गया है किसी वजह से एंड आई कुड नॉट रिट्रीव इट. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग. ऑल्सो आई वुड लाइक टू मैंशन कि ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है, पिनोन हादी. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो.